नए कृषि कानूनों को लेकर के किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है और दिल्ली के बॉर्डरों पे सिंघू टिकरी गाजीपुर समेत अन्य बॉर्डरों पे और इसके साथ ही दिल्ली जयपुर हाईवे पे किसान लगातार कड़कड़ाती ठंड में धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं पे सरकार के साथ बातचीत के कोई नए चैनल्स खुलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। फिलहाल उन किसान समूहों के साथ जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इन सब के बीच में 26 नवंबर को जब ये दिल्ली चलो आंदोलन शुरू हुआ था, तब से लेकर अभी तक 30 किसानों की मौत हो चुकी है। 20 दिसंबर को ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी एक श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाएगी इन किसानों को याद करते हुए, और ख़ासकर जिन गांवों से वो किसान आए हैं वहां पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। इन सब के बीच में सरकार के साथ जो आखिरी बातचीत हुई थी वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ 8 दिसंबर को हुई थी। उसके बाद से जो किसान विरोध प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं उन्होंने कहा है कि उनके पास बातचीत के कोई ऑफर्स नहीं आए हैं। वहीं पे आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में गृहमंत्री अमित शाह, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज एक बैठक में शामिल हुए, जहां पर कि कृषि कानूनों को लेकर के भी बातचीत हुई कि किस तरह से जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपना संदेश लेकर के जाएगी इन कानूनों को लेकर के। फिलहाल जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी हैं। किसानों की मांग है कि इन तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल को ना लाया जाए, लेकिन वहीं पे सरकार का कहना है कि कानूनों को रद्द नहीं किया जा सकता है, सरकार सिर्फ कानूनों में बदलाव के लिए तैयार है, जिसके लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए किसान तैयार नहीं है। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।